वो कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस, जाहिर सी बात है भैंस ज्यादा जगह लेती है। यूरोपीय देश के विषय में तो आप यही मानेंगे, यूरोपीय देश और नाटो ये मानकर चल रहा था कि रूस कोई उत्तर नहीं देगा, लेकिन इसका उलट हो गया। दरअसल लिथुआनिया से जा रही थी रूसी ट्रेन और उस ट्रेन को रोक दिया लिथुआनिया ने कि हम जाने नहीं देंगे। अब रातों रात रूस ने ऐसी कौन सी जादुई छड़ी घुमा दी कि पूरा का पूरा यूरोपीय संघ, सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि यूरोपीय संघ घुटने पर आ गया है। जहां एक तरफ ये हुआ है तो वहीं रूस से संबंधित एक ऑर्डर दिया अमेरिका ने भारत को और भारत ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया और ये अब अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रही है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है कालिनिनग्राद। ये इलाका रूस का इलाका है और ये एक ऐसा इलाका है जिस पर नाटो देशों ने एक बड़ा दांव खेला। दरअसल वो चाह रहे थे कि इसे रूस से अलग कर दिया जाए। अब होता क्या है, रूस के इस इलाके को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि रूस से एकदम अलग। यहाँ पे जैसे वो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, वो वाला हाल इस इलाके का है, क्योंकि यहाँ रूस का ये इलाका है कालिनिनग्राद, तो यही पास में इसे घेरे हुए नाटो के सारे देश हैं। रूस को जब इस इलाके में सप्लाई भेजना होता है तो वो दो रास्ता अपनाता है। एक रास्ता अपनाता है बाल्टिक सागर का और दूसरा रास्ता अपनाता है सुवाल्की गैप। ये इलाका है बेलारूस और रूस के फोर्स इस गैप में काम करते हैं, ये पतला सा इलाका है। अब लिथुआनिया ने क्या किया, लिथुआनिया ने यहाँ पे ब्लॉकेज लगा दिए और कहा जो माल से भरी हुई रूस की ट्रेन थी बेलारूस से पार करते हुए इस इलाके से कालिनिनग्राद तक पहुंचने वाली थी, वो आधे रास्ते में ही रोक ली गई। लिथुआनिया ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे क्योंकि आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं और हम मानते हैं कि ये प्रतिबंध इतने खतरनाक हैं कि आपको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा माल वगैरह लेकर। ट्रेन का रास्ता रोक दिया। लिथुआनिया के इस कदम से रूस समझ गया कि यहाँ लिथुआनिया नहीं नाटो बोल रहा है। लिथुआनिया के साथ साथ नाटो के साथ टेंशन बढ़ गई। अब लिथुआनिया ने ये दावा किया कि हम भैया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, यूरोपीय संघ ने हमें बोला हुआ है कि हमने प्रतिबंध लगाया है तो इस ट्रेन को रोक दो, इसलिए हमने ट्रेन को रोक दिया है। अब रूस ने ये कहा कि जल्द से जल्द इस पे फैसला लो वरना बहुत बुरा होगा। पहले तो यूरोपीय संघ ने आनाकानी की, सोचा कि क्या बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन रातों रात रूस ने बड़ा वाला खेल कर दिया। रूस ने ये कह दिया कि ये जो जाल बिछा हुआ देख रहे हो पाइपलाइन का, ये अभी मेंटेनेंस में जाएगा, यानी कि हम इसका रख रखाव वगैरह एक बार फिर से चेक कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए गैस सप्लाई बंद हो जाएगी। ये तो वो ब्रह्मास्त्र था जो यूरोप में गड़े हुए मुर्दे को भी उखाड़ कर जिंदा कर दे। ये ब्रह्मास्त्र जैसे चला रूस ने, वैसे ही अभी कुछ दिन भी नहीं बीते और तुरंत यूरोपीय देश सकते में आ गए कि ये तो हमारा दाना पानी ही खत्म करने पर तुला हुआ है। दरअसल यूरोपीय देश गैस पाइपलाइन और क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हालांकि गैस पाइपलाइन की बात करें तो उस पर तो उनकी इंडस्ट्री से लेकर घर का चूल्हा तक सब कुछ निर्भर है। रूस के इस मास्टर स्ट्रोक का हल ये हुआ कि यूरोपीय संघ ने कहा कि नहीं, हमने तो लिथुआनिया को नहीं बोला है रोकने के लिए, लिथुआनिया ने तो अपनी मर्जी से रोका है। अब यूरोपीय यूनियन ने अपने ही सदस्य देश लिथुआनिया को करारा झटका देते हुए रूस के पक्ष में फैसला दिया और इससे पहले रूस ने धमकी दी थी कि अगर उसके सामानों की आवाजाही पर लगी रोक को हटाया नहीं गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब हुआ ये कि लिथुआनिया यहाँ फंस गया और लिथुआनिया अब गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मैं तो केवल यूरोपीय संघ के प्रतिबंध लागू कर रहा था, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और आपको बता दें यूरोपीय आयोग ने हमें कहा है कि जो भी चीजें यहाँ से गुजर रहा है उसको एक बार चेक करो, तो हम चेक करेंगे, अगर हथियार होगा तो हथियारों को हम रोक देंगे। लेकिन यहाँ अगले ही पल
बदल गया। यूरोपीय आयोग ने ये कहा कि सड़क के रास्ते कोई भी हथियार वगैरह या प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा सकता है, लेकिन ट्रेन से लेकर जाता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। अब यहाँ पर बात आ गई असली वाली। अब यहाँ पर कौन से ट्रक में लाद कर ले जा रहा था, ये तो ट्रेन से ही जा रही थी। इसका कहने का अर्थ है कि रूस को पूरी छूट है इस इलाके में ट्रेन के जरिए अपने कालिनग्राद में जो भेजना चाहे वो भेजे। यूरोपीय संघ में जहां रातों रात पूरा का पूरा पासा पलट गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका का ऑर्डर, और वो भी रूस से संबंधित। दरअसल इस वक्त अमेरिका के ऐसे हालात है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक सलाह दे बैठे हैं अभी के वर्तमान जो भी नीति निर्धारक है उनको, जिसके बाद ज्यादा हड़कंप मचा है। इनका नाम है केविन रूड और इन्होंने एक किताब लिखी है युद्ध के ऊपर। ये किताब बहुत ही अच्छी है। हालांकि इस किताब में एक लाइन आपको हर जगह मिलेगा कि कैसे अमेरिका भारत को प्रो वेस्ट बनाए, यानी कि वेस्टर्न देशों के कहने पर चलने वाला भारत बनाए। केविन रूड को ये डर लग रहा है कि कहीं चीन भारत के सामने वो प्रस्ताव न रख दे जिससे भारत प्रो चाइना और प्रो रसिया ज्यादा हो जाए। आप सोचेंगे चलो प्रो रसिया की बात तो समझ में आती है, रूस और भारत के बीच इतने अच्छे संबंध है कि इस दौर में भी भारत रूस की मदद कर रहा है और रूस से मदद ले रहा है। ये साफ दिखला रहा है कि यहाँ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन क्या चीन के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है? तो अमेरिकी एक्सपर्ट और नीति निर्माता को ऐसा लगता है कि अगर सरप्राइज करते हुए जिनपिंग ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और झगड़े वगड़े खत्म कर दिए, तो ये पश्चिमी दुनिया के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तब भारत जो इस वक्त स्वतंत्र विचारधारा का है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेता है, वो ज्यादातर रूस के समर्थन में आ जाएगा, चीन के समर्थन में आ जाएगा, लेकिन पश्चिमी दुनिया के समर्थन में नहीं आएगा। इसलिए अमेरिका को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे भारत को अमेरिका के ऊपर यकीन हो जाए कि हाँ यही मेरा सच्चा वाला दोस्त है। पर इसके उलट अमेरिका की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है और अमेरिका ये ऑर्डर दे देता है कि रूसी जहाजों को उतरने मत देना अपने मुंबई के तटों पर। ये तो जाहिर सी बात थी कि भारत इसे मानने वाला था नहीं। भारत ने इस चीज को तुरंत रिजेक्ट कर दिया और जैसे ही भारत ने इसे रिजेक्ट किया वैसे ही अमेरिका को अपनी बेइज्जती का एहसास होने लगा। अमेरिका को लगने लगा ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया। भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऊपर से रूस के साथ जो नॉर्थ कॉरिडोर है उससे व्यापार भी शुरू कर दिया है, वहां से रूसी जहाज निकल चुके हैं और भारत पहुंचने वाले हैं। जैसे पहुंचेगा भारत भी गाजे बाजे के साथ स्वागत करेगा। नॉर्थ कॉरिडोर का ये पहला कंसाइनमेंट होगा। अमेरिका ने तुरंत पलटी मारी और कहा ये तो हमने नहीं कहा था, ये तो अमेरिकी कंसुलेट ने कहा था, ये अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, जब से भारत ने जवाब देना शुरू किया है तब से ये देश अपने सही जगह पे आ रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।